तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट होंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ सिल्क यारा टनल हादसे के बारे में। तो देखिए, सिल्क यारा टनल हादसा भारत देश का सबसे बड़ा एक टनल हादसा है अब तक की डेट का, यानी कि अब तक जितने भी हादसे हुए इस टनल के जरिए उसमें ये सबसे बड़ा हादसा था, जिसमें लगभग 41 मजदूर फंसे हुए थे। दरअसल हुआ ये था कि दिवाली वाले दिन यहाँ पर ये काम कर रहे थे, इनकी छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं थी, दिवाली वाले दिन भी ये काम कर रहे थे और यहाँ पर टनल के अंदर काम कर रहे थे। दरअसल यहाँ पर टनल एक बनाई जा रही थी यमुनोत्री मार्ग से जुड़ने के लिए। यमुनोत्री जो है एक हिंदू तीर्थ स्थल है, वहाँ पर जाने के लिए एक काफ़ी अच्छा एक रोड बनाया जा रहा था, 2 लेन वाला हाईवे बनाया जा रहा था। तो उसी रोड के लिए यहाँ पर ये टनल बनाई जा रही थी। तो देखिए, टनल बनाई जा रही थी तो इसके लिए यहाँ पर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे और ये बहुत ही तगड़ा काम चल रहा था ये, और ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी होने वाला था, चाहे वो हिंदू रिलीजियस के नज़रिए से हो या फिर एक बॉर्डर के नज़रिए से देखा जाए तो, क्योंकि जो चाइना का बॉर्डर है वो भी वहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं। तो इसी वजह से ये जो रोड है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा था और इसीलिए यहाँ पर ये टनल बनाई जा रही थी। अब देखिए, जो टनल थी वो लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें से यहाँ पर लगभग इसको देखा जाए तो लगभग आधा किलोमीटर टनल का काम बचा हुआ था, यानी कि आधा किलोमीटर की जो खुदाई थी वो रुकी हुई थी, अभी तक पूरी हुई नहीं थी। तो इसी के लिए यहाँ पर ये जो मजदूर थे ये यहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन दिवाली वाले दिन जहाँ पर सबकी छुट्टी होती है इनकी कोई छुट्टी नहीं थी और ये तभी भी वहाँ पर काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हादसा हुआ जिससे क्या हुआ कि ये जो 41 मजदूर थे काम कर रहे थे, कोई यहाँ पर डिगिंग में था तो कोई मशीन चलाने में था तो कोई किसी और दूसरे काम में, कोई लाइन बिजली की जो लाइन होती है लाइट वाइट वगैरह की उसके लिए में था वहाँ पर, तो यहाँ पर वो काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हादसा हुआ कि यहाँ पर जो टनल है वो पूरी तरह से यहाँ पर ऊपर से मलबा गिरने की वजह से बंद हो गई और यहाँ पर उनका जो संपर्क था वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट गया, यानी कि यहाँ पर ये जो मजदूर थे वो पूरी तरह से फंस गए थे और इनका कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहा था कि ये बच भी पाएंगे या नहीं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बातें पता चली और यहाँ पर जो है वो देश और दुनिया में सब जगह पर ये चीज़ें पता चल गई कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे दिवाली वाले दिन हादसा हुआ है। तो एक दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकले, यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें वो अपनाई जा रही थी। और एक यहाँ पर एक 6 इंच का लंबा एक मोटा पाइप भी यहाँ पर डाला गया था ताकि यहाँ पर लोगों को, जो फंसे हुए लोग थे, जो लेबलर्स थे, वहाँ तक उनको खाना पहुँचाया जा सके। शुरुआत के जो 24 घंटे थे वहाँ तक तो कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा हुई थी, वहाँ पर बहुत दिक्कतें आई थी, उनको यहाँ पर खाने को नहीं मिल रहा था, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। लेकिन जब यहाँ पर एक 6 इंच का लंबा पाइप डाला गया, बड़ी मुश्किलों के साथ डाला गया था 24 घंटे के बाद, तो तब वहाँ पर उस पाइप के ज़रिए यहाँ पर पानी की बोतलें और इसके अलावा खाना, काजू, बादाम और उसके बाद यहाँ पर गरम खाना भी यहाँ पर भेजा गया था। तो ये चीज़ें थी और यहाँ पर उनकी हालचाल भी लिया जा रहा था कि भाई ठीक हो या नहीं, सारी चीज़ें हैं या नहीं, ओके, और कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें। अब देखिए, यहाँ पर मसला आ रहा था कि भाई यहाँ पर उनके सामने लगभग 60 मीटर मलबा आ गया था, जिसके लिए यहाँ पर उनको निकालने के लिए जो होल वगैरह है वो करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। कभी कहीं से होल करने के लिए मैंने दिक्कत आ रही थी तो कभी कभी मशीन टूट रही थी, जो ऑगर मशीन थी वो टूट रही थी, कभी टनल के ऊपर से भी होल किया जा रहा था। लेकिन जो बाद में जो चीज़ें सामने निकल आई वो ये थी कि जो पुरानी टेक्निक थी जो बैन हो गई थी 2014 में रैट होल माइनिंग की, वो यहाँ पर काम आई और उसके जो कुछ एक्सपर्ट्स थे वो दिल्ली से आए और यहाँ पर उत्तर प्रदेश से आए, तो उन्होंने यहाँ पर रैट होल माइनिंग के जरिए जो ट्रैप्ड लेबरर्स थे उनको यहाँ पर निकाला। अब देखिए, जैसे ये निकले तो तब यहाँ पर पूरी दुनिया, पूरे देश की जो मीडिया थी वो टनल के बाहर इकट्ठा थी, बहुत सारी जो मेडिकल वैन थी, जो एम्बुलेंस थी वो वहाँ पर थी कि भाई यहाँ पर जैसे ही कुछ यहाँ पर ये निकलेंगे तो उनके यहाँ पर हेल्थ चेकअप किया जा सके हाथों हाथ। तो इनके लिए यहाँ पर ये निकले और सभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थे जैसे निकले, और उनका स्वागत के लिए यहाँ पर जो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने यहाँ पर उनका स्वागत किया और यहाँ पर मालाएं पहनाई, सब क्लैप कर रहे थे, सारी चीज़ें यहाँ पर ओके हो गई, सारी की सारी यहाँ पर चीज़ें बढ़िया हो गई, यहाँ पर किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई और सारे के सारे जो लेबरर्स थे, 41 लेबरर, वो लगभग 17 दिन, अगर मैं घंटों में हिसाब से कहूँ तो लगभग 400 दिन बाद यहाँ पर उनको बचाया जा सका। तो यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा ऑपरेशन था जिसमें यहाँ पर बहुत सारी एजेंसियाँ काम कर रही थी। लेकिन हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने सबसे बढ़िया काम किया और इनको यहाँ पर हीरो का खिताब दिया जा रहा है। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं और वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैट होल माइनर्स की। देखिए, रैट होल माइनिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें जो ट्रेडिशनल जो तरीका है, जैसे कि छेनी हथौड़ी से, कुदाल से, और जो दूसरे जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे यहाँ पर खुदाई की जाती है। अब देखिए, यहाँ पर जो खुदाई है ये पूरी तरह से बैन है 2014 में, इससे माइनिंग जो थी वो पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। वैसे देखा जाए तो इस तरह की माइनिंग से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोयला पहले निकाला जाता था, लेकिन 2014 में इसको बैन कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर एनवायरमेंटल इफेक्ट थे और जो यहाँ पर जो काम करते हैं ना रैट होल माइनर्स, उनकी यहाँ पर जो जान है उसको भी
यहाँ पर खतरा को देखते हुए यहाँ पर इस तकनीक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। लेकिन यहाँ पर ये जो टैलेंट थे वो तो जिंदा था ना, तो यहाँ पर जो रैट होल माइनर्स है जैसे कि कुरैशी साहब और मोनू कुमार, उन्होंने को यहाँ पर दिल्ली से बुलाया गया कि भाई यहाँ पर आपकी ज़रूरत है यहाँ पर, और जो यहाँ पर जो लास्ट पोर्शन है डेब्रीज का, यानी कि जो मलबा है उसका जो लास्ट पोर्शन है, उसको यहाँ पर रेड होल माइनिंग के तरीके से यहाँ पर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों गए और यहाँ पर इन्होंने जो ट्रेडिशनल तरीका है रेड होल माइनिंग का, उन्होंने यहाँ पर इस तरीके से इसको निकाल दिया और यहाँ पर चले गए ये पूरी तरह से जो मजदूर हैं उनके पास। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने आखिरी डेबरी निकाली, मलबा निकाला, तो यहाँ पर अंदर चले गए वो मजदूरों के पास, और मजदूरों ने भी उन्होंने कंधे पर उठा लिया कि भाई बढ़िया है हक क्या, उनको यहाँ पर दुआएं दी और यहाँ पर शुक्रिया अदा किया कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें जान बचाने के लिए। तो इसमें जो कुरैशी साहब है वो यहाँ पर काम करते हैं दिल्ली में, इसी तरह की एक जो कंपनी है उसमें यहाँ पर काम करते हैं, और मोनू कुमार जो है वो उत्तर प्रदेश के हैं, वो भी यहाँ पर रेड होल माइनिंग के एक्सपर्ट है। तो इन्होंने यहाँ पर इनकी जान बचाई और इन्होंने ये कहा कि भाई हम इस तरह का जो काम है उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिली है कि भाई हम यहाँ पर इनकी जान बचाने में काम आए। और फिर नाम आता है लेफ्टिनेंट कर्नल अता हसनैन जी का। अब देखिए जो लेफ्टिनेंट कर्नल है वो पहले आर्मी में काम करते थे और जम्मू कश्मीर में तैनात थे, और जो जम्मू कश्मीर का जो पूरा कन्फ्लिक्ट है उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वाकिफ थे, तो यहाँ पर इनको एक एक्सपर्ट माना जाता था उसमें। लेकिन यहाँ पर अब ये रिटायर हो चुके हैं और ये जुड़ चुके हैं NDMA के साथ, यानी कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के साथ। तो ये जो डिज़ास्टर वगैरह है इन सब चीज़ों में अब ये अपनी सेवाएँ दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर डिज़ास्टर के समय यहाँ पर लोगों को बचाया जाना चाहिए। अब देखिए जो टनल वाला हादसा हुआ था, इसमें भी एक पूरी तरह से डिजास्टर था जिसमें बहुत सारी एजेंसियां काम कर रही थी, जिसमें सबसे जो मेन एजेंसी है वो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, जिसको यहां पर मैनेज कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन साहब। तो अता हसनैन साहब यहां पर सारी की सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट कर रहे थे, हालचाल ले रहे थे, यहां पर सारी की सारी जो चीज़ें हो रही थी उससे यहां पर लोगों को रूबरू करा रहे थे, और यहां पर पूरी की पूरी जो चीज़ें चल रही थी उसमें यहां पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। तो ये भी यहां पर एक काफ़ी अच्छे चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, और ये भी एक हीरो की तरह सामने निकल आएंगे किस तरह से यहां पर पूरा पूरा ऑपरेशन हुआ, क्योंकि जो पूरा पूरा 17 दिन तक चला जो ऑपरेशन, उसमें कई सारे सेटबैक्स देखने को मिले, बहुत सारी चीज़ें यहां पर फेल हो गई, बड़ी बड़ी मशीनें जो ऑगर मशीनें थी वो टूट गई, जो टनलिंग मशीन थी वो सारी की सारी टूट गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना हौसला बनाए रखा और यहां पर जो मोराल था वो डाउन होने नहीं दिया, और इसी वजह से यहाँ पर लगातार काम करते गए। और लास्ट में 17 दिन के बाद यहाँ पर लगभग 400 घंटे बाद यहाँ पर 41 वर्कर्स को यहाँ पर बाहर निकालने में सफलता हासिल की। तो इनमें यहाँ पर जो अता हसनैन साहब है जो लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हो चुके हैं, उनका एक बहुत ही बड़ा योगदान है। और फिर इसके बाद आते हैं अर्नॉल्ड डिक साहब। देखिए अर्नॉल्ड डिक साहब यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और एक टनलिंग के एक बहुत ही बड़े एक्सपर्ट्स माने जाते हैं, और अर्नॉल्ड डिक साहब ये एक बहुत ही बड़े टनलिंग एक्सपर्ट है और ये इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, यानी कि यहाँ पर ये बहुत ही बड़े टेक्नीशियन हैं और ये इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज हासिल है इनको। यहाँ पर इन्होंने सारी की सारी चीज़ें देखी है कि किस तरह से यहाँ पर जो काम है वो करना चाहिए, जो एथिकल हो, जो रिस्क, जो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लीगल भी हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, और यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो करना चाहिए ताकि यहाँ पर 41 लोगों को बचाया जा सके। तो उन्होंने अपनी जो एडवाइस थी, जो अपनी जो कंसल्टेशन थी वो दी कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ें वो करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए, यानी कि इनको टेक्निकल नो हाउ पूरी तरह से पता था और ये काफ़ी बड़े एक्सपर्ट है। तो इनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो यहाँ पर इस पूरे ऑपरेशन में काम आई है। तो ये भी इनकी जो चीज़ें हैं वो सामने निकल आई है और इसी वजह से यहाँ पर जो 41 मजदूर हैं उनकी हम जान बचा पाए हैं। तो इनका भी एक काफ़ी बड़ा रोल है, और इसी चीज़ को देखते हुए जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, उनको यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा ओहदा दे रही है और उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा भी कर रही है कि आपके यहाँ पर काम की वजह से यहाँ पर हम बचा पाए हैं लोगों की जान। और इसके अलावा जनरल वीके सिंह जो पहले आर्मी को हेड करते थे लेकिन अब वो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट हैं, उन्होंने यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा अहम योगदान दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो रोड बनाया जा रहा था, जो टनलिंग का काम था, वो भी यहाँ पर इन्हीं की मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो यहाँ पर वे कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट थे और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें को ये खुद से हैंडल कर रहे थे और ये आर्मी से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर पूरा जो डिसिप्लिन था वो आर्मी वाला था। तो यहाँ पर इनका भी यहाँ पर काफ़ी अहम रोल है लोगों की जान बचाने के लिए, और ये यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी के साथ यहाँ पर जैसे ही जो फर्स्ट रेस्क्यूअर आया तो वहाँ पर उनको गारलैंड किया, मालाएं फूलों की हार डाली, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया है उन्होंने जनरल वीके सिंह ने। और इसके अलावा जो PMO है यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी अहम योगदान दिया है अपना, क्योंकि देखा जाए तो
इतनी सारी एजेंसियां मिली थी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, एनडीआरएफ की टीम भी थी, सेना भी मिली हुई थी, तो इसमें यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता था। तो इस कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए यहाँ पर पीएमओ का एक बहुत ही बड़ा योगदान है, और यहाँ पर खुद प्राइम मिनिस्टर जो है जो पीएमओ को हेड करते हैं, उन्होंने यहाँ पर एक पूरी तरह से सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लिया था कि भाई यहाँ पर क्या चल रहा है, हालात क्या हो रहा है, यहाँ पर अभी क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ों की कमी है यहाँ पर, और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो सारी की सारी जो चीज़ें थी वो यहाँ पर पीएमओ खुद देख रहे थे। तो यहाँ पर इनका भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा अहम योगदान है। तो हम अगर मोटा मोटी कहें तो लगभग यहाँ पर जो चीज़ जो जो भी यहाँ पर एजेंसी इस चीज़ में जुड़ी हुई थी, सब के सब यहाँ पर काफ़ी अहम योगदान अपना दे चुके हैं, और यहाँ पर इन्हीं की वजह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सामने लेकर आई है कि 41 लोग जो फंसे हुए थे वो यहाँ पर उनकी जान बचाई जा सकी है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेसियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।